ఏపీలో జగన్ హయాంలో తిరుమల లడ్డూలో వివిధ రకాల జంతువుల నూనెలు కలపడం దుర్మార్గమని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ మండిపడ్డారు. జగన్ ఒక పాపిస్ట్ సీఎం అని దుయ్యబట్టారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా జగన్ వ్యవహరించారని ఆయన ఆగ్రహించారు. ఈ ఘటనపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను రాజా సింగ్ ని కోరారు. तिरुपति बालाजी मंदिर यहां बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में. वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं. जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है. चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है. वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया. लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए. और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है. लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर. पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था. लेकिन आज टीडीपी की सरकार चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया. मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए. और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया ये इसकी सरकार के समय पर, तो पता नहीं क्या हुआ होगा. तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं.